हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मशरूम की सब्ज़ी। इसके लिए हम 2 पैकेट मशरूम ले लिए हैं और इसे अच्छी तरह से धुल के साफ़ कर लिए हैं और इसे 4 टुकड़े में कट कर लिए हैं। देखिए, एक मशरूम में 4 टुकड़ा कट करेंगे। कट करने के बाद हमें कुकर में तेल गरम कर लिए सरसों का और उसमें हम थोड़ा थोड़ा मशरूम डाल के मशरूम को अच्छे से फ्राई करेंगे, क्योंकि मशरूम फ्राई हो जाता है तो टेस्ट अच्छा आता है। तो थोड़ा इसे डीप भी फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई कर देंगे। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रहा है। तेज़ आंच पे रख के फ्राई करेंगे तो बढ़िया से फ्राई होगा। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और बचा हुआ मशरूम भी तल लेंगे। अब जो कुकर में तेल बचा है उसमें खड़ा जीरा, गरम मसाला, गरम मसाले में बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग डालेंगे और लहसुन मिर्चा का पेस्ट हम बना के रखे हैं और प्याज को बॉईल करके रखे थे, तो इसमें हम प्याज डाल लेंगे, लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल लेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर डाले हैं और उसमें 1 कटोरी मटर डाल दिए हैं। उसके बाद से 2 कटा हुआ टमाटर डाल दिए हैं और यहीं पे हम मशरूम जो फ्राई करके रखे थे वो और सोया धनिया कटा हुआ सब मिक्स करके एक साथ हम इसमें डाल दिए हैं और डाल के हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। अच्छी तरह से भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूनेंगे ताकि ये तली में चिपके ना, नहीं तो जलने का टेस्ट आ जाएगा, चिपक जाएगा। तो और इसे हम धीरे धीरे चलाएंगे और चला चला के भूनेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहेंगे। देखिए कितना अच्छे से ये भून रहा है और कितना अच्छा कलर आया है, कितना सुंदर देखने में लग रहा है फ्रेंड्स। तो देख रहे हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो फिर हम इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर थोड़ा और डाल देंगे, थोड़ा गरम मसाला पाउडर डाल के इसे अच्छी अच्छी तरह से फिर भूनेंगे। और गरम मसाला ज़रूर डालिएगा, क्योंकि गरम मसाला डालने से थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा आ जाता है। और इसे भूनते रहेंगे धीमी आंच पे, ढक्कन लगा देंगे हल्का सा और लगा लगा के भूनेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। देखिए कितना अच्छा है, ये बन के तैयार है। अब इसमें लास्ट में हमारा बच जाता है नमक, तो लास्ट में हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। जिस जिस तरह का आप पसंद करते हो, कम या ज़्यादा, तो डाल दीजिए। और डालने के बाद इसे चलाते रहिए। अब चलाने के बाद आप आवश्यकता अनुसार पानी डाल लीजिए, जितना भी पानी की ज़रूरत हो, कम या ज़्यादा। वैसे लटपटा बनता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, चिपका चिपका रहेगा तो मशरूम मटर एक साथ तो अच्छा लगेगा, बहुत पानी वाला अच्छा नहीं लगता। तो फ्रेंड्स, हमारा मटर मशरूम की सब्ज़ी बन के तैयार है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।